शून्य सात पूरा दो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी हो गया है शाम और आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज हम शाम में ब्लॉग स्टार्ट किए हैं क्योंकि अभी अचानक से मेरा माइंड चेंज हो गया और हमको खाने का मन किया है ठेकुआ और अभी हम बनाने वाले हैं। तू समझा? तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। और इधर है मेरी शानू जो बोल रही कि मुझे भी दिखाओ। तो ये लेश खा रही है सामने। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। सो फ्रेंड, हम किचन में एंट्री कर चुके हैं और हमको नजर आया है कि सब कुछ है मेरे पास, जैसे कि सूजी मैदा। तुम हमको लगा बनाया जाए और सुबह सुबह भी बहुत ज्यादा भूख लगता है हमको, पता नहीं क्यों। और सानू भी कभी कभी खा के नहीं जा पाती है, केवल लंच लेके जाती है तो एक आध को खा लेगी वो भी, तो बना देते हैं। अभी घर में कोई है भी नहीं, हम अकेले हैं तो फ्री फ्री हैं, तो चलिए बनाते हैं। दिमाग में टेंशन नहीं रहता है ना तो कुछ भी करने में मजा आता है। तो हम अभी अकेले बनाएंगे पूरा ठेकुआ, मस्त एकदम मस्त वाला। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो ये रहा मैदा, एक दिन निमकी बनाए थे और रखे थे तो रखा ही है ऐसे ही। और ये रहा सूजी और इसमें लगेगा चीनी। ये रहा चीनी और इस पे लगेगा थोड़ा सा सौंफ, बट सौंफ नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे ज्यादा बनाना नहीं है, अपना अंदाज से थोड़ा थोड़ा ही। इतना सा सूजी ले लिए हैं, थोड़ा मैदा, और चीनी डालते हैं लस्सी में। इसमें पाक बना लेंगे, नहीं तो ऐसे में फिर बाद में गीला हो जाता है। अभी डाल देंगे ना तो गीला हो जाएगा, बाद में पानी छूट जाता है चीनी में, तो इतना लगभग चीनी में हो जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी दे दिए हैं और चढ़ा रखे हैं गैस में। चढ़ा दिए गैस में हम चीनी पिघलने के लिए। पिघला हुआ चीनी डालेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे डाल देने से तो बाद में गीला हो जाता है। और यहाँ पर मैदा और सूजी भी। और अभी इसका पापा को फोन कर देते हैं सानू का कि गाड़ी लेके आइएगा, क्योंकि उनका आने का टाइम भी हो गया है। तो बोल देते हैं गाड़ी लेके आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं सो फ्रेंड, इधर आ गए हैं सानू पापा और गाड़ी ला दिए हैं, तो चलिए जाते हैं अब सानने के लिए। वेट कर रहे थे हम गाड़ी का। क्यों तुम इतना पापा का सेवा कर रही है? का ला दी पापा तेरे लिए? गंदा चीज नहीं, लॉलीपॉप बहुत अच्छा लगता है। तो हाय कर दो, चलो हाय कर दो। तुम्हें तो अच्छा? हाँ रे, बहुत टेस्टी है। तो इधर फिर हम गड़ी को काट लेते हैं, बहुत ज्यादा कड़ा है। हाँ, हमको समोसा खिला रही है सानू, इधर खा रही है समोसा और हमको भी खिला रही है। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड देखिए, नहीं हुआ और ऐसे करके हम लोग कूट रहे हैं। नेहा भी आई है, अकेले है तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ लिए हैं, डाल देते हैं यहाँ। और इधर हम लगने देखिए क्या बना रहे हैं, क्योंकि रात हो ही गया है। इधर बना रहे हैं हम बड़ी आलू का सब्जी। इधर आलू भून रहे हैं, पहले सानू के लिए दो पूड़ी बना के दे दिए। तो चलिए सानते हैं इसको। इधर बड़ी आलू में मसाला डाल दिए हैं और तब तक हम इसको सानते हैं। तो देख सकते हैं सबको अच्छा से मिला लिए सूजी और मैदा को और कढ़ी को।
अब इसमें डालेंगे हम खस्ता होने के लिए थोड़ा सा तेल, मोम, क्या बोलते हैं इसके लिए, मोम, मोम। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं बाहर में, नीचे वहाँ काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था और हमको खड़ा खड़ा एकदम घर भी नहीं लग रहा था, और आ गए हैं अच्छा से मिलने। वीडियो बना लिए, वीडियो ना बना रहे हैं लड़ने के लिए, पापा का बाल बनाएंगे बोल के। चरी ले ठेकुआ बना दे रहे, खा के जाएगी कि नहीं, ठीक है सुख को बहुत अच्छा से मिला लिए फ्रेंड। और देख सकते हैं पूरा ये इतना खस्ता बन गया है कि हाथ में पूरा लड्डू बन जा रहा है, देख सकते हैं ये देखिए। तो आप जो हम चीनी का पाक किए हैं उसको उसी से सानेंगे इसको। अभी भी टाइम क्यों मार रही है मम्मी हमको, बनाने दो, बनाने दो, चलो खेलने चलो। की कैसे कर रहा है, कैसे कहाँ से रहा टीवी में, हाँ आप कैसे कर रहा है, करने के लिए आ गए हैं सानू। वैसे ज्यादा नहीं है तो तुरंत ही सना गया, देख सकते हैं। ये सानू इधर के है जी, सानू का कर, सानू को देखिए मैं दुपट्टा ले रही हूँ, क्या कर रही है, हाँ, मम्मी बनी है, मम्मी बनी है, हाँ, इसका। किसका मम्मी है, इसका? किसका? का। पापा का, हाँ, बाबू का, बाबू, हाँ, ये बाबू नाम इसका, इसका संतोष के श्री नाम मामा, संतोष के श्री, हाँ, अच्छा हमको पता नहीं था बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नाम बताने के लिए। आसान नहीं है देखिए, और ये थोड़ा सा भुरभुरा टाइप में ही रहता है क्योंकि इसको ऐसे गोल करते जाएंगे और ठोकते जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसे ही रहता है इसका, देख सकते हैं पूरा आटा की तरह नहीं होता है, तो ये ठीक है क्योंकि गोल तो हो जा रहा है ठोकने भर, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब जाते हैं बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। और बाकी थोड़ा सा बच गया है मेरा चीनी का पाक, सॉरी फाइन डाल देते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे आधा भर देते हैं। देखिए इधर तेल गरम हो रहा है और इधर पानी भी डाल दिया सब्जी में, हो रहा है आप देख सकते हैं इधर। तो देखिए हम लोग देसी जुगाड़ से ठोक रहे हैं इसको, हम लोग के पास ठोकने वाला नहीं है तो झंझरा से, और अच्छा सा डिजाइन बन रहा है ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम भी गोल गोल कर दे रहे हैं, ये देखिए तो आसान होगा निमा को जल्दी करने में, थोड़ा सा चीनी पानी बच गया। हाँ बेटा ठीक है, हम स्कूल जा रहे हैं ना, सिधर आ गई है मेरे सानू, और देखिए हमको क्या था, हाँ ठेकुआ बेटा, अब निकाल देते हैं ना, हो गया हमको वजन लग रहा है ना मम्मी, लग रहा है ना बाबू, तो इतना सा ठोक लिए हैं और डिजाइन देख सकते हैं आप लोग, मस्त लग रहा है एकदम। और इधर तेल भी गर्म हो गया, तेल के ऊपर के डाल लेते हैं हम। बदमाश सानू फिर से चलाई है अपने यहाँ पर, देखो तो इधर मेरा देखो तो, अरे दोनों हाथ से तुम हाथ धोई है, बना रही है, तो सानू भी मेरा साथ दे रही है, ठेकुआ बना रही है, कहा बेटा दिखाओ, अरे सानू का मस्त। तो पूरा देखिए धीमा आंच में एकदम गोल्डन कलर हो चुका है, लेकिन भी अंदर से नहीं बना होगा और थोड़ा सा, सो लग रहा है कि हो गया फ्रेंड। तो देखिए निकालते हैं, हल्ला नहीं सानू, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं,
तभी वाला तेज आंच में अच्छा नहीं बना था फ्रेंड, बट अभी वाला बहुत अच्छा बन रहा है, एकदम टूट टूट जा रहा है, बहुत ज्यादा खस्ता हो गया है। तो देखिए मैडम अभी तक बना चुके हैं कुछ कुछ, और थोड़ी देर पहले हम दुकान से आए हैं, कुछ कुछ काम कर ले हमको उंगली करके ले आई यहाँ पर कुछ कुछ दिखाने के लिए। अरे ये देखिए गर्मा गर्म कुछ कुछ बना रहे हैं, खाने के लिए आए हैं ये ना, खाने के लिए बना कर पूछे और खाने आए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग गर्मा गर्म बना है और मजा आता है हमको तो, मेरा फेवरेट है सब चीज, मीठा उठा खाने को बहुत ज्यादा मजा आता है। देखिए बाकी बना ही रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, रोटी भी बना रहे हैं, रोटी बना लेते हैं कहीं रात हो गया है थोड़ा भूख भी लग रहा है, बन ही गया है थोड़ा सा बच्चा है थोड़ा बहुत और बाकी तो बन ही गया। आपको फिर पिक्चर दिखाते हैं, देख के तो मजा आ जा रहा है लेकिन अभी सब हम तोड़ के दिखाते हैं कितना खस्ता बना है देख सकते हैं, छूते साथ पूरा दो टुकड़ा हो गया, लीजिए खा के देखिए तो कैसा लग रहा है ना, तुरंत घुल जा रहा है, ऐसा नहीं हम भी दिखते हैं बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। घर का बनाया हुआ खाना होटल से ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए आदमी को घर में खुद से ही बनाना चाहिए, बहुत मस्त बनाया है, एक नंबर लग रहा है। खाली तो हम हाथ धो के थोड़ा रोटी बना देना, कैसा लगा आपको मजा? सब फ्रेंड रख सकते हैं हम बना लिए, इधर ताई भी बन गया है, ताई उतारना है और सानू आ गई है और गोदी में, और रात हो गया है बहुत ज्यादा बट सोई नहीं है अभी तक, और देखिए रात हो गया ना बेटा, नींद आ रहा है ना, और नींद आ रहा है देखिए मेरा बच्चा, पूछिए कल बेटा और इतना सा तो बन गया है, और बस एक बार का रह गया है, थोड़ा सा दो थोड़ा ज्यादा हो रहा था तो भी हम डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं तो बस थोड़ा सा बेटा उसके बाद चलेंगे हम, तो देखिए और दो चार मिनट में हो जाएगा मेरा। तो फ्रेंड बना उना लिए और पहले सानू को सुला लिए हैं, सानू देखिए इधर सो रही है, और आज बहुत लेट कर दी देखिए 10 बज गया है, अभी जस्ट सोई है और हम लोग खाना निकाले हैं खाने के लिए, तो अभी हम लोग भी खाएंगे। हम लोग खा रहे हैं खाना, और खाने में बना है बड़ी आलू सब्जी और पत्ता गोभी, काफी रात हो गया है 10 बज गया 10:30 मजा रहे हैं बोलिए कुछ। अभी अभी सानू सो गई है, लोग खाना खा रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, रात के ब्लॉग को करते हैं एंड, आज के लिए बाय बाय।